कल को निकल जाए, बेरोजगारी के मुद्दे पे 307 का मुकदमा किया जाता है। बताएं बिहार सरकार की, भाई हमने किसका हत्या करने का प्रयास किया? विधायकों का हाथ पैर काट दिया गया। जो विधायक फंड है, पिछली बार नीतीश कुमार जी ने 50 लाख रुपए हर एक विधायक का लिया। उस 50 लाख एक विधायक अगर देता है, कहाँ खर्च हुआ? ना तो अस्पताल है, ना ऑक्सीजन है, ना दवा है, ना एम्बुलेंस है, ना वेंटिलेटर चलाने वाला है, ना कोई है। और इस बार फिर हर एक विधायक से लगभग जो है 2 करोड़ रुपया विधायक और एमएलसी से जो है वो काटा गया है। तो 312 का अगर 2-2 करोड़ रुपया अगर लिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 624 करोड़ रुपए। पैसा कहाँ खर्च होगा? हम तो कह रहे 2 करोड़ क्या, 3 करोड़ ले लो, 4 करोड़ ले लो, जो फंड है वो ले लीजिए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जमीन पर वो दिखना तो चाहिए। कहाँ अस्पतालें बन रही है, कहाँ ICU है, कहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, कहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था है, कहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोग जो है एक अलग राजनीति में लगे हैं, नकारात्मक राजनीति में लगे हैं। हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हर एक चीज का। नेता विरोधी दल एक संवैधानिक पद होता है और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, अगर नेता प्रतिपक्ष किन सवाल को अगर समक्ष रख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो चिट्ठी का जवाब तो मिलना चाहिए। 4 सालों में एक बार भी नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी के लोगों ने किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, ना हमें अनुमति मिलती है। अगर अनुमति